अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी, फ्राइड अनियन रिंग्स। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है और जल्दी से बन भी जाते हैं। हम यहाँ पर देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पर दो बड़ी प्याज ली है और इसे छीलकर अच्छे से धुल लिया है। आप चाहें तो प्याज कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने यहाँ पर सिर्फ दो ही बड़ी प्याज ली है। यहाँ पर हम ले लेंगे एक कप भर के बेसन, मेजरमेंट वाले कप से हमने एक कप लिया है। यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटा चम्मच भर कर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच अजवाइन ले लिया है और इसे हमने क्रश कर लिया था हाथों से। एक चुटकी भर हमें ले लेना है बेकिंग पाउडर यानी मीठा सोडा ले लेना है। आधा छोटा चम्मच ले लेना है हमें लाल मिर्च पाउडर। और हम यहाँ पर ले लेंगे दूध एक कटोरी। आप प्याज कम ज़्यादा करते हैं उसी हिसाब से दूध भी ले लें। यहाँ पर अब हम ले लेंगे चॉपिंग बोर्ड और इस पर हम प्याज रख कर रिंग्स की शक्ल में काट लेंगे। हमें इन्हें मोटा मोटा काटना है, पतला नहीं काटना है, नहीं तो फिर हमारे अनियन रिंग्स अच्छे से नहीं होएंगे, टूट टूट जाएंगे, तो इसीलिए मोटा मोटा ही काटें। और दोनों प्याज को हमें काट लेना है। देखिए हमने दोनों प्याज को काट लिया है गोल गोल रिंग्स की साइड्स में। हमें इनकी एक एक रिंग्स अलग कर लेना है। देखिए परते भी जिसे कहते हैं, एक एक परते हमें अनियन की अलग कर लेंगे। दोनों प्याज की हमें रिंग्स निकाल लेनी है। वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई रेसिपी के लिए। देखिए हमने यहाँ पर छोटा बड़ा सब ले लिया है, आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। हमने छोटा बड़ा सब रिंग्स लिया है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर रिंग्स को अलग कर लिया है। और हमें एक मुँह वाली प्याज लेना है, दो मुँह वाली प्याज नहीं लेना है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक बर्तन, इसमें हमें प्याज डाल लेनी है जो हमने रिंग्स की शक्ल में काटी है। सारी प्याज ले लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दूध, हमें पूरा दूध डाल देना है। हमने यहाँ पर पहले से ही छीलने के बाद प्याज को धुल लिया था पानी से अच्छे से। अब हम इसे दूध में भिगा कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। दूध में भिगाने से जब हम इन्हें खाएंगे या फिर फ्राई करेंगे तो इसमें जो प्याज का तीखापन लगता है, इससे तीखापन नहीं लगेगा प्याज का। इसे हमें 5 मिनट के लिए रख देना है ऐसे ही दूध में, और 5 मिनट बाद निकाल लेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमें अपने अनियन रिंग्स को निकाल लेना है एक बर्तन और में। इसका दूध हमें वेस्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है। इसी से हम अपना घोल बनाएंगे बेसन का। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सी फ्राइड अनियन रिंग्स तैयार होती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए हमने यहाँ पर सारे प्याज को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे बेसन। बेसन में हमें दूध डाल देना है, पूरा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बेसन को अब हम अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने बेसन को मिक्स कर लिया है। हमने इसमें हल्दी वगैरह नहीं डाला है, फिर भी आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो पाउडर चीज़ें ली थी, नमक, लाल मिर्च, अजवाइन वगैरह डाल देना है। और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमने जो मसाले डाले हैं और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। ये एक टी टाइम का परफेक्ट नाश्ता है। ये देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंटेंसी चेक कर लेंगे। देखिए ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसे अब हम 5 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी है, तो आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, रेस्ट पे ना रखें 5 मिनट। अगर टाइम है तो आप रख सकते हैं 5 मिनट रेस्ट पे। देखिए 5 मिनट के बाद यहाँ पर हम अपने अनियन रिंग्स को घोल में डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से बेसन से कोट कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पर कोट कर लिया है, ये फ्राई करने के लिए रेडी है। यहाँ पर हमने पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम एक एक करके अपनी अनियन रिंग को डालते जाएंगे। हमने यहाँ पर आँच स्लो रखनी है। अभी तेल अच्छे से गरम होने के बाद ही आँच स्लो रखें जब हम अपने रिंग्स को डालेंगे। एक एक करके रिंग्स हमें डाल लेनी है। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची नाश्ता बनता है। आप चाय के टाइम पर इसे बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर अपने सारे अनियन रिंग्स को डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। जितना हमारे पैन में अनियंस आया हमने डाल लिया। इसका कलर चेंज होने के बाद हम साइड चेंज कर लेंगे।
दोनों तरफ से हमें इन्हें गोल्डन होने तक का अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए हमारे जो अनियन रिंग्स है वो गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बर्तन में। ऐसे ही करके हमें जितना खाना है उतना अनियन रिंग्स को फ्राई कर लेना है। जितना खाना हो उतना ही फ्राई करें। हमें जितना खाना था हमने उतना ही फ्राई कर लिया है। देखिए एकदम क्रिस्पी और करारा सा हमारा फ्राइड अनियन रिंग्स तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बर्तन में। इसे हमने एक बर्तन में निकाल लिया है देखिए, और इसे हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा फ्राइड अनियन रिंग्स हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं ऊपर से कितना क्रिस्पी, अंदर से भी उतना अच्छा है। हरी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा लगता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तैयार है हमारी एकदम आसान सी फ्राइड अनियन रिंग्स टी टाइम के लिए।